दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप WhatsApp में किसी के चैटिंग को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ईमेल के जरिए किसी को भेजना चाहते हो टोटली चैटिंग को, तो कैसे आप भेज सकते हो। जी हां दोस्तों, WhatsApp में एक बेहतरीन फीचर है जिसके माध्यम से आप यूज करके, उस फीचर को यूज करके इजिली आप किसी भी चैटिंग को, किसी भी पर्सन का चैटिंग अपने WhatsApp में, अगर आप किसी को चैटिंग को भेजना चाहते हो ईमेल के जरिए, आप भेजना चाहते हो किसी अदर पार्टी को, थर्ड पर्सन को आप भेजना चाहते हो बाय ईमेल, तो आप इजिली भेज सकते हो। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। टोटली चैटिंग आप भेज सकते हो। तो चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, यहां पे आप देख सकते हो हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और यहां पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल ओपन कर लेने के बाद WhatsApp को आपको ओपन कर लेना है। तो यहां पे हम WhatsApp को ओपन करते हैं। WhatsApp ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपका WhatsApp फाइनली ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज कर लेना है किस पर्सन का चैटिंग आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हो। तो देन यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं एक पर्सन का टोटली चैटिंग। वेल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक चैटिंग को ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक पर्सन का चैटिंग ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही कम चैटिंग है, लेकिन ये चैटिंग को हम एक्सपोर्ट करके ईमेल के माध्यम से भेज के आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको WhatsApp ओपन करना है, वहां पे किसी एक पर्सन का सेलेक्ट कर लेना है किसका चैटिंग आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। देन आपको क्या करना है दोस्तों, चैटिंग ओपन हो जाने के बाद ऊपर में आपको मिलेगा ये 3 डॉट, ये 3 डॉट पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूज करना है जो है मोर, ये मोर वाला ऑप्शन पे आपको एक बार टैप करना है। टैप करते ही दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, और यहाँ पे अप्रोक्स ये 5 ऑप्शन है जिसमें से आपको 4th वाला ऑप्शन होगा एक्सपोर्ट चैट। ये जो 4th वाला ऑप्शन देख रहे हो, ये ऑप्शन को आपको यूज करना है, इस पे एक बार क्लिक कर देना है। तो इस स्टेप को फॉलो करना है आपको, और एक्सपोर्ट चैट करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे में एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें से आपको चूज करना होगा जीमेल। तो यहाँ पे आप जीमेल चूज कर लो, यहाँ पे आपको दिखा दे ये हो गया जीमेल, इसको हम चूज करेंगे, और क्लिक करते ही दोस्तों जीमेल पे हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम जीमेल पे पहुंच जाते हैं और देन इसको ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट हम आ चुके हैं इस इंटरफेस पे। आप भी अगर फॉलो करोगे तो ऐसे ही दोस्तों इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझना जो हम बता रहे हैं, इसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पे ऊपर में मिलेगा आपको फ्रॉम, ये जो फ्रॉम देख रहे हो यहाँ पे आपको जीमेल आईडी सिलेक्ट करना है, कौन सा जीमेल आईडी से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है, मैं वही रहने दूंगा। देन दोस्तों नीचे में आपको मिलेगा एक 2, इसमें दोस्तों आपको फिल करना है जीमेल आईडी, जिसका जीमेल आईडी पे आप मेल करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम एक टाइप कर लेते हैं जीमेल आईडी, और दोस्तों ये जो जीमेल आईडी हम टाइप करेंगे ये अपना ही जीमेल पे भेजेंगे, जो जीमेल अभी हमारे मोबाइल में लॉगिंग है। तो मैं ये जीमेल एक टाइप कर लेता हूँ जो पहले से अभी हमारा मोबाइल में लॉगिंग है। यहाँ पे दोस्तों एक जीमेल से हम भेजेंगे और दूसरे जीमेल पे जाएंगे, वहां पे दिखाएंगे आपको कैसा चैटिंग आ रहा है और लाइव आपको करके दिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम टाइप कर लेते हैं कौन सा जीमेल पे हम भेजना चाहते हैं। देन यहाँ पे हम टाइप कर चुके हैं एक जीमेल आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हम एक जीमेल आईडी टाइप किए हैं जिस जीमेल आईडी पे हम सेंड करना चाहते हैं, इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। देन आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में आपको मिल जाएगा ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो, इस पे आपको एक बार टाइप करना है, क्लिक करते ही ये चला जाएगा, सेंड हो जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं इस ब्लू वन पे। देन क्लिक कर चुके हैं और यहाँ पे परमिशन दे देंगे WhatsApp का, और फाइनली दोस्तों ये हमारा चला गया है, एक्सपोर्ट हो चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है, कैसे हुआ है, फाइनली वो सब लाइव आपको करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम WhatsApp को करते हैं क्लोज और आ गए हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन करते हैं अपना जीमेल ऐप को। तो जीमेल ऐप यहाँ पे हम ओपन करते हैं। देन दोस्तों ये जीमेल ओपन हो चुका है, और यहाँ पे दोस्तों ये जीमेल को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देन ऊपर में दोस्तों आप देख सकते हो एक हमारा मेल आ चुका है, ये है जो हमने सेंड किया है, जो जीमेल से सेंड किए थे वो था वॉच एवरी मूवी, वो जीमेल था, और जो यहाँ पे शो कर रहा है, और जो हमने मेल पे सेंड किया था जो सम्राट करके मेल था, वो मेल एस से यहाँ पे जो शो कर रहा है। देन यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हो 11:11, जो अभी 11:12 हो रहा है। देन 11:11 पे मैंने इसको सेंड किया है और ये यहाँ पे आ चुका है फाइनली। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करके सीन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, जो हमने सेंड किया है कुछ इस तरह का आ चुका है हमारे दूसरे जीमेल आईडी पे जिसपे हमने सेंड किया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आई मीन टू से जिसको आप भेजोगे वो पर्सन क्या करेगा, ये जो WhatsApp वाला आया है
chat.txt में इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड कर लेने के बाद जिस तरह आप चैटिंग देखते हो वैसे ही वो भी देख पाएगा, चैटिंग देख पाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं डाउनलोड वाला ऑप्शन पे, और क्लिक कर लेने के बाद ये फाइनली डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा टाइम लेगा, ऊपर में डाउनलोडिंग हो रहा है, एक सिंबल भी आ चुका है, और यहाँ पे हमको एक पॉपअप मिल जाएगा जिसमें बताएगा कि डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। फाइनली ऊपर में आप देख सकते हो आ चुका है डाउनलोड कंप्लीटेड। तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे, फाइनली वो चला गया। लेकिन इस पर हम ऊपर से क्लिक कर लेते हैं और इसको दोस्तों हम ओपन विथ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं HTML व्यूअर कर लेते हैं। आप कोई भी ब्राउजर पे जा सकते हो और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ चुका है, जिसमें हमको मिल गया जो भी चैटिंग हुआ है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, सेंड कर दिए हम। और देन यहाँ पे अगेन आपको दिखा दिए, लाइव करके दिखाए कैसे हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हो किसने क्या भेजा है, यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे हम दिखा दें, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने हेलो भेजा है, देन वहाँ से रिप्लाई आया है जी, देन हेलो ब्रो, हाउ आर यू, आई वांट टू नो वन थिंग। जो यहाँ पे चैटिंग हुआ है वो यहाँ पे नेम के साथ, यहाँ पे टाइमिंग के साथ, एवरीथिंग दोस्तों यहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। और जिस पर्सन को दोस्तों यहाँ पे भेजोगे इजिली वो समझ पाएगा, टाइमिंग के साथ किसने क्या भेजा है वो समझ पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ये कमाल का फीचर है। अगर आप किसी के चैटिंग को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, किसी थर्ड पर्सन को भेजना चाहते हो, तो इजिली इस स्टेप को फॉलो करके भेज सकते हो। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो गाइज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।